तो भाई दर्शन कर लो, जय श्री राम। तो भाई उसको देखो, उस झूले को, ये होता है सबसे डेंजरस। दिखने में ऐसे ही लगता है, वो जो लास्ट में बंदा है ना उसको भी पता है क्या हो रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप, सब उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं देखो, मेरे साथ है ये राहुल और अभी हम जा रहे हैं मेला देखने जा रहे हैं। मतलब इधर ही है, पास में ही है, जगह का नाम पता नहीं है मुझे, तो लोकेशन मुझे दोस्त ने भेज दिया कि वहीं जाना हमने और बाइक लेके जाना है। और यहाँ पे जम्मू में आपको पता है कि बाइक में दो बंदे, दोनों को हेलमेट जरूरी है। तो एक हेलमेट तो थी हमारे पास, मेरे पास नहीं थी, मगर ये देखो हमने, ये मुझे मतलब ये हेलमेट मिली अभी फिलहाल। हंस रहे हैं यार ये, क्योंकि हालत देखो इसकी। तो 1000 रुपये का चलान होना है सीधा सीधा, 500 होगा, 1000 रुपये होगा, 1000 नहीं यार, एक बंदे ने डाला तो 500 बहुत होगा। 500 में तेरे को देना है कि हेलमेट ले ले जाके 1000 का, दोनों ने नहीं डाली होगी तो 1000 का था, 1000 का यार। इधर बुरी हालत है, मैं नहीं पानी है यार, ये तेरे को दे देंगे यार, वो खुद दे देंगे, तू 500 की हेलमेट ले ले। और कोई जुगाड़ और जुगाड़ कोई इधर बगैर किसी साफ दरा है ना, साफ कुछ मुकुद कर रहा है सी। तो फाइनली गाइज मैंने हेलमेट कर दिया साफ, ये देखो बिल्कुल इलेक्ट्रिक, मतलब क्या बोलो इसको, कौन सी हेलमेट है ये देखो यार, इसको आगे से मतलब ट्रैफिक वाले उनको ही मतलब हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसको डालने के लिए मैंने पहले एक कैप डाली है और इसको डाल के देखता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट बाइक चक्करे लावा बजे उठ रही नहीं है, इन्हें पकड़ लेनी है, मैं इन्हें करिए पकड़ के रखूं, ठीक है। नहीं सेट सेट है, अच्छा तो वो नहीं है, वही तो बोला इन्हें पकड़ लेनी है चोटियां यार। तो मैं हो गया ऑलरेडी, चलो चलते हैं। हां चेंज करनी नहीं करनी, चेंज कर लो। ये हमारी बाइक और ये हमारी हेलमेट, चेक करो ये पता नहीं कहाँ से निकला यार। तो चलते हैं, मन नहीं कर रहा इसको देखने का भी, क्या करना, लगाना पड़ेगी। चलो फिर राहुल भैया, कौन सी गाड़ी है? नहीं यार लैम्बोर्गिनी 900 है। तो ये आ गया मेरा दोस्त जिसने मुझे इस जगह के बारे में बताया। हाँ भैया, हेलो भैया, हेलो, हेलमेट पकड़ो आप, घर है इधर रख दे, इसको इधर ही रख दे, इधर से भी कोई नहीं लेगा इसको। दे दो यार हेलमेट, रख देता हूँ। अच्छा चल आगे चल। तो अभी हम जाएंगे सीधा इसको, यार ये भी लेंदा, ये भी पड़ गए ना। अरे सर इसको भी ले जाओ भैया, हेलमेट की हालत देखो, मेरे वाली हेलमेट की देखो हम कैसे रास्ते से जा रहे हैं। ये तवी है, तवी, वो ट्रक देखो, ट्रक के तो ये देखो ट्रक की तो बुरी हालत हो गई है, बच गया बाल वाले तो पलट जाना था। तो ये देखो, वो देखो वहां पे है मेला, वो बड़े बड़े झूले दिख रहे हैं आपको, वहां जा रहे हम, ये लोग सारे वापस जा रहे हैं और हम अभी वहां जा रहे हैं। ओहो चाचू को हम साइड दी, ओहो चाचू वहां भी ड्राइवर है। और इस तरफ ये देखो, वो देखो झोपड़ियां घास की, नहीं बाइक लगा देते हैं यहाँ पे और करते हैं ये मार्केट एक्सप्लोर।
तो मतलब जिसके रिलेटेड यहाँ पे ये मेला वगैरह लगा है ना, उसकी कथा चल रही है, ये देखो है ना, उसी की कथा है ना, उसी की कथा है। और ये देखो ये आम मेले के जो वो झूले बहुत बड़े बड़े हैं यार, ये मास्क, जलेबी पकौड़े, समोसे, यार जो इस कथा है ना मतलब बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके मतलब जिसके रिलेटेड होते हैं ना ये बहुत ज्यादा। कितने ज्यादा लोग बैठे हुए ये देखो, तो मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा क्या क्या सिस्टम है, किसके रिलेटेड है ये सब। वो देखो वो कीड़े निंदा भी चमारा जो वो माइक पे आ गया, उन्होंने माइक पकड़ा है। यार कितना छोटा सा लड़का, मतलब ये भजन गा रहा है ना, पहली बार नहीं गा रहा है यार, गा भी सही रहा है, मतलब आवाज भी सही है। तो भाई मुझे मतलब ये ना आपको शॉर्ट में समझाएगा, मैं समझा थोड़ी दो चार लाइनें सुना कि ये जड़े द्वारका महाराज शास्त्री है ना, हाँ द्वारका महाराज शास्त्री, उनके ऊपर ये सारी कहानी है और ये हम आपको उनकी फोटो और उनकी वाइफ भी साथ में है। ये देखो ये जो भी हो रहा है ना मतलब इनके लिए हो रहा है, मतलब इनके लिए, ये है महाराज और इनकी ये वाइफ थी, ये दोनों इन्होंने मतलब समाधि दी थी, इन्होंने समाधि दी थी, समाधि समाधि दी थी ना भाई, ये द्वारिका नाथ इनके बेटे वहाँ वो कर रहे हैं, ये यहाँ पे उनका क्या नाम है, गंगू शास्त्री, उनके बेटे हैं गंगू शास्त्री जी का, मतलब वो हो रहा है उनका ये करवा रहे हैं कथा वगैरह वही कर रहे हैं, और ये इनके बेटे थे, ये देखो यार मतलब उत्तराकर्मा हवन कुंड है ना इधर, ये कुंड है वो यार। तो अभी हम परिक्रमा करेंगे, ये देखो इसके गोल गोल ये कुंड है जिनमें मतलब कुंड में वो कर रहे थे ना, मतलब हवन हवन होता है ना, और अभी है अभी हो गया सुबह 10 स्टार्ट, सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है रोज रोज डेली, विष्णु जग बैठा ना, विष्णु जग 7 दिन का, ये देखो राम 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 राम, मिट्टी ये देखो मिट्टी बड़ी सही है यार, देखो यहाँ हम परिक्रमा कर रहे हैं और ये वो कुंड, यहाँ हवन होता है हर बार सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, अभी तो हो गया रोज होता है, मतलब 25 तारीख तक, 26 तारीख तक, हाँ 26 को लास्ट है, मतलब 26 तारीख तक लगातार यहाँ पे मेला लगा रहता है, कब से कब से, हाँ ये 7 दिन पहले स्टार्ट हो गया, 7 दिन मिट्टी की निगेड है, मिट्टी सही है, तो सॉक्स भैया था, सॉक्स वाला नहीं, ये देखो झूले देखो भाई, जय श्री राम। अच्छा ये जैसे बाबा नीम करोली सुना, नीम करोली ना ना, जैसे नीम करोली थे ना वैसे ही है ये भी, उनका ही अवतार हनुमान का, तो भाई उसको देखो उस झूले को, ये होता है सबसे डेंजरस, दिखने में ऐसे ही लगता है, वो जो लास्ट में बंदा है ना उसको भी पता है क्या हो रहा है यार। यहाँ पे काफी सिंगर भी आए हुए हैं, ये देखो गुरु महाराज I'm gonna go get some more.
टेढ़ा। खैर मजा आ गया ना, नाच के मजा आ गया कसम से। गर्मी लग रही है अब झूला झूलना चलो झूला झूलते हैं। एक मजा आ गया नाच के, मजा आ गया कसम से। हाँ कोई भी झूलते हैं, कोई भी झूलते हैं, देखते हैं गोल ये बड़ा गोल वो है, सबसे बड़ा गोल वहाँ जाएंगे। अच्छा ये, अच्छा ये ड्रैगन घोड़ा है। तो ये देखो भाई, ये देखो ओ भाई साहब, मगर हम उसमें जाएंगे जो ये है, ये भी ड्रैगन ही है वो, ये ज्यादा काफी ऊपर जा रहा है। मन भी खराब हो गए, तो चलते आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर चढ़ के वहां क्लिप्स ऊपर के नजारे। हाँ ये यहाँ से मतलब सारा एरिया दिखेगा मेरे ख्याल से, हम उस साइड जाएंगे। मैं कितनी देर तक होता है, कितनी देर तक होता है? 6 मिनट। अच्छा 6 राउंड। अच्छा ठीक है ठीक है, लास्ट में ठीक है भाई, लास्ट में बैठना है। अरे भाई साहब अभी देख लो, नाइस ये झूले पे चढ़ेंगे हम, लास्ट में बैठेंगे। अरे भाई साहब ये बड़ा है इसमें, सबसे बड़ा ये गोल में, गोल में, और ये भी काफी बड़ा है। चले कहाँ से जाना है, जाना किधर हो? इधर। अच्छा अच्छा इधर पुड़का ऐसी लगी ब्रेक। तो चलते हैं गाइस, जितना खींच पाओगे खींच लेना। अरे भाई साहब, भाई साहब आए हाय, ओए और पीछे ओए मैं बनाने वीडियो तू सेंटर लीक साइड पे आ रही नहीं पौंदे थोड़े उपर अस तो इनके फेस देखो, ए लास्ट ए मैं बोल गया यार, इतना भी नहीं है। एक और ओ परवा नहीं करूंगा ओ, अब देखना व्यू देखो गाइस, ओए इस लड़की को देखना, इसको देखना बंद कर। ओहो बैठी तेरी, बस अगली बार नहीं बैठेंगे, बस अभी ओए बस करो यार, रोक भरावा रोक कुड़ वीर रोक दे भाई, गलती से बैठ के अगली बार नहीं बैठते। ओए छे चक्कर कन्नू होने रोक भरावा ओए लास्ट में नहीं बैठना कभी।
भगवान, ए प्रभु, ए प्रभु, ये क्या हो गया? रंग का गामछा भी भूल गया। ये लास्ट है नी? ये लास्ट है। ओए इसने तो 200 रुपए का झूला दे दिया भाई। वो मेरा फोन गिर गया ना। रन क्या हो रहा है? एक उल्टा पूरा। ओह बैठ गए हम। वो मेरे हाथ कांप रहे हैं। हाथ कांप रहे मेरे। ओ तेरी। ओ भाई 50 रुपए और ले लो, रोक दूं मगर। ओ मुंह जंद का नहीं फटते। आगे रोक ना वा। ओ रोकड़ वीर 50 रुपए और ले ले। ओए रुकना कर दूंगा यार। पता है टोया मैं उधर लग रहे हैं। बस उल्टी नहीं मारे अगे आलिया पटोड़िया। इसकी टांके देखो। ओए मैं फसी था सच्चा। बस 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 रोकड़ 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 एक और ही। बस बस ब्रो मेरे को तो डर ही नहीं लगा यार, मैं ऐसे चला रहा था। डर की बात ना ही करो तो अच्छा है। आहा वो देखो यहाँ पे फंस गए थे हम। रुक गया है मामा है मैडी बंदा जाके टच है। पम फ्री था गया था। फ्री का देगा तो भी नहीं इधर बैठूंगा मैं। बुरी हाल सही कस है। अरे जिमनी बचूंगा जिमनी गोली मार। तो भाई चलते हैं नीचे। अपने बच्चों का भी नहीं भेजता यार भाई। हालत हो जाती है यार। सही में हम उधर झूले हैं ना, मतलब वो इससे कम होते हैं। मैंने सोचा ये भी कम ही होगा मगर जाके पता चला सेंटर में तो कुछ नहीं पता चलना था। लास्ट में यार ऐसे लग रहा था बस गिरने वाले हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे 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 उतना ऐसे होगा। ऐसा लग रहा था कि गया आप आगे। मुझे लगा ये मेरा लास्ट झूला था। तो ये देखो यहाँ पे ये सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। ये देखो केड़ी सब्जी है, बीज बीज लगाई हुआ है, बीज लगाई हुई है। ये देखो इस तरीके से वो आगे दूर तक पानी नहीं देना। ये बीज लाए दे ना, एक पैकेट होंगे ठीक है, वो बीज लाया होंगे, पैकेट पूरा हाल होंगे, देसी हाल होंगे नहीं। अच्छा अच्छा पानी लगेगा तो खराब हो जाना। पानी लग गया। अच्छा पानी लगेगा तो खराब हो जाए। ये हवा की थी पर दी है? हवा कुछ नहीं भरी जी, बच्चे तार पाई थी। अच्छा अच्छा तार, ठीक है तार डाली हुई है यार। तार डाली हुई है बचाने ताई, इसी कवर की तरह होता ना। अच्छा अच्छा तो भाई और है कुछ और घूमना कहीं? आगे मेन मंदिर है ना। मेन मंदिर कहाँ पे, कितनी दूर है यहाँ से? होगा कोई 500 मीटर आगे। चल चलते हैं तो आपको मेन मंदिर दिखाते हैं यहाँ का। तो वहाँ जाके आपको मैं ये मतलब कथा सुनाएगा पूरी, क्या क्या सिस्टम है, क्यों होता है यहाँ पे भंडारा वगैरह, ये मेला वगैरह, कथा वगैरह क्यों होती है। फिर बताते हैं। हाँ मेन मंदिर में जाके फिर बताते हैं आपको। यो यार यहाँ काफी दुकानें लगे हुए हैं, वो आगे तक जहाँ तक मंदिर है वहां तक लगी होंगी है ना। तो ये देखो हम पहुंच गए हैं मंदिर में। वाओ तो भाई मंदिर देखो यार कितना अच्छा है देखने में। हाँ अभी तैयार हो रहे हैं। जय जय राम। चलो अंदर चलते हैं। तो अभी चलते हैं, हमने शूज वगैरह इधर खोल दिया, अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं अंदर से मंदिर। अच्छा इधर होता है सतवा वगैरह ना, कथा वगैरह इधर भी होती है। ये देखो ये है ना समाधि, तो भाई दर्शन कर लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई ये मतलब ये भी समाधि है, मतलब जो यहाँ बताया खुद बताया
जो यहाँ पे शास्त्री महाराज है ना, जो उनकी वाइफ और वो, उन्होंने जब समाधि ले रहे थे तब ये बंदे ने उनको देख लिया समाधि लेते, तो उन्होंने सोचा कि ये गलती से शायद इनको आग वगैरह लग गई है, तो उनको बचाने गया, उस चक्कर में ये बंदा भी शहीद हो गया था, तो फिर इसकी भी यहाँ पे समाधि बनाई हुई है। वो जो हम नाच रहे थे वहाँ पे जो गुरु थे ना, मतलब वो उनके बेटे हैं, वो इन शास्त्री महाराज के बेटे हैं। हाँ, जो मैंने अंदर देखा है ना आपको समाधि, उनके बेटे, वो जो वहाँ कथा कर रहे थे वो उनके बेटे हैं। अभी वो हमें देख के हंस भी रहे थे। अभी हम आपको उनका रूम बताते हैं, जो शास्त्री महाराज का रूम है, पंडित वगैरह, पंडित वगैरह। तो जहाँ मतलब गुरु महाराज जो जिन्होंने समाधि दी थी उनका रूम, उनका आपका रूम दिखाते हैं, हम कहाँ रहते थे वो पहले। जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम, राम राम, राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम। हाँ, मतलब कितनी देर पुरानी बात है ये यार, मतलब कि कम से कम भी कोई 20 साल 25 साल पहले, 20-25 साल। अच्छा, ये उनका रूम। ये था उनका घर जहाँ वो रहते थे, तो ये उनका घर था। और ये देखो बाहर शिव, ओम नमः शिवाय, जय राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। इधर से परिक्रमा कर लेते हैं, तो इसकी परिक्रमा करके हम चले जाएंगे वापस घर में, क्योंकि मेरे फोन की भी बैटरी कम हो गया। यहाँ पे यही है मतलब, और कुछ नहीं, बस चलते हैं फिर। ये देखो हमने परिक्रमा भी कर ली, और जो जो देख रहे हैं उनकी भी परिक्रमा हो गई समझ लो, तो चलते हैं फिर। तो गाइस यहाँ की लास्ट, ये देखो यहाँ का लास्ट व्यू देखो, और ये देखो ये है जो अभी कर रहे हैं ना कथा कर रहे हैं, वो ये वाले शास्त्री हैं, ये वाले गंगाधर महाराज जी, और इनके माता पिता, ये देखो ये इनके माता पिता है जिन्होंने समाधि ली थी, जिन्होंने वो इनके माता जी, ये देखो इनका नाम है श्री द्वारिका नाथ शास्त्री जी और दयामती माता चंपा जी। ये देखो यहाँ पे कर रहे हैं वो, 26 को लास्ट दिन मिलेगा, 26 को, और 25 को यहाँ पे दंगल भी होगी, मगर मैं शायद ही कल है, 25 नहीं परसों है, मंडे को है, क्रिसमस वाले दिन है यहाँ पे दंगल, बड़ा दंगल होता है, बहुत बड़ा, मतलब बाहर बाहर कंट्री के आते हैं, अलग अलग कंट्री के आते हैं पहलवान। हमने बाइक यहीं लगाई थी कहीं, अच्छा इधर होनी दंगल।